हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं फाइनली आप लोगों को अपना किचन का टूर शेयर करने वाली हूँ। और किचन के टूर को लेकर मेरे पास बहुत बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर भी मुझे इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे थे, मेल्स भी आई हैं आप लोगों की कि मैं आप लोगों के साथ कब अपना किचन टूर शेयर करूँगी। तो किचन परसों ही मुझे हैंडओवर हुआ है, और कल मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी, किचन को भी अपने तरीके से क्लीन किया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों को अपना किचन टूर दे दूं। तो वैसे तो घर में रिनोवेशन चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, घर में और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं, लेकिन किचन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो किचन मेरी बनकर तैयार हो गई है, और पूरी किचन बनने में ओवरऑल 45 डेज और 50 डेज के करीब आप मान लीजिए, क्योंकि 4-5 दिन ऊपर लग ही जाते हैं। और मैंने जो अपनी किचन बनवाई है वो होम लेन से बनवाई है। जो भी मेरी किचन की जर्नी थी, जो भी मेरे डेली ब्लॉग्स थे, वो तो आप लोग देखते ही थे, लेकिन अगर कोई मुझे नया यहाँ पर कोई देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन भी कहते हैं ऑन कर लीजिए। इसी के साथ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो गाइस, ये है मेरी ड्रीम किचन, लेकिन इसका टूर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिस्क्लेमर दे देती हूँ। मैंने किचन अभी ऑर्गेनाइज नहीं करी है, डेकोर नहीं करी है। जैसी किचन मुझे हैंडओवर हुई थी होमलेन की तरफ से, वैसी ही मैं आपके साथ टूर शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं होमलेन के पास गई तो मैंने अपने किचन की रिक्वायरमेंट बताई। मैंने बताया मेरे पास ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं है, लेकिन मुझे स्टोरेज बहुत सारी चाहिए, जिसकी मुझे डेली दिक्कत रहती है। तो किचन बनवाते समय मुझे एक और चीज का डर था कि कहीं ऐसा ना हो किचन बनवाने के चक्कर में मेरी लाइट, सनलाइट यानी कि, और हवा पानी कहीं ना रुक जाए। मतलब यहाँ से बहुत अच्छी सुबह के टाइम सनलाइट आती है। दिन का भी टूर मैं थोड़ा सा शेयर कर दूंगी, जिनमें आप देख सकते हो कि लाइट की बिल्कुल भी कमी नहीं हुई है, हवा पानी बिल्कुल जैसे पहले आता था बिल्कुल वैसे ही आया है। और उसके लिए मैंने कौन से टिप्स और ट्रिक्स लगाए, और उन लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी। तो जब मैं होमलेन के पास गई तो उन्होंने मेरे से दो बात सबसे पहले पूछी, वो थी कि आप किस कलर की किचन बनवाना प्रेफर करेंगे। सेकंड चीज कि आपको किचन किस क्वालिटी में चाहिए, जैसे कि आपको प्लाईबोर्ड में चाहिए या फिर आपको HDHMR में चाहिए। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि HDHMR जो होता है वो 48 आवर्स पानी को रजिस्ट करता है, यानी कि अगर आप 48 आवर्स तक उस पर बॉइलिंग वाटर या पानी किसी भी टाइप का कोई लीकेज हो जाती है, वो गिर भी जाए तब भी वो आपका खराब नहीं होगा। और किचन एक ऐसी चीज है जो सुंदर तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में मजबूत भी होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपनी किचन सुंदरता के साथ साथ मजबूत भी बनवाऊंगी, तो मैंने बिना सोचे समझे HDHMR को प्रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन है, ये किचन आपकी बहुत सालों चलेगी। हालांकि HDHMR में जब किचन बनवाते हो तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है अगर आप नॉर्मल से बनवाओगे तो लेकिन मुझे ये किचन महंगी तो पड़ी है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सालों साल ऐसे ही चलने वाली है। तो किचन के लिए HDHMR तो मैंने सेलेक्ट कर ही लिया था। अब बात आती है, जैसे डोर्स होते हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में बनवा सकते हो। कुछ लोग ग्लास फिनिश बनवाना पसंद करते हैं, कुछ लोग एक्रेलिक बनवाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मैट बनवाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्लॉसी। तो मैंने किचन में जितने भी अपने डोर्स देख रहे हैं ना आप, ये सारे ग्लॉसी फिनिश में दिए हैं, क्योंकि इनको क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है। मेरा मन तो एक्रेलिक में भी जाने का था, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस हो जाती है। मैंने उनको बोला भी था तो उन्होंने कहा कि मैडम अगर आप किचन केवल सिंगल हैंड यूज कर रहे हो तो आप एक्रेलिक में जाओ, और अगर आप वर्किंग हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ग्लॉसी फिनिश में जाओ, जिसे आप तुरंत अगर कपड़े से भी साफ करोगे तो वो पहले की तरह चमक जाएगी। तो मेरा डिसीजन ये था कि हाँ मेरे पास काम तो रहता ही है, तो क्यों ना मैं ऐसी चीज लूं जो कि इजीली क्लीन भी हो जाए और मुझे डे टू डे लाइफ में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो मैंने यहाँ पर रखी है ग्लॉसी फिनिश बाहर की, और अंदर जो है वो मैट फिनिश दी है मैंने। और जब किचन के कलर की बात आई तो मैं पहले से ही बहुत क्लियर थी कि मुझे व्हाइट किचन बनवानी है, क्योंकि मुझे व्हाइट किचन बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और जब भी मैं ये पिक्चर्स वगैरह देखती थी व्हाइट किचन की, मुझे बहुत पसंद आती थी। तो मेरा एक खुद का मन था कि मैं व्हाइट किचन बनवाऊंगी, जिसमें शूटिंग भी करूंगी तो वो भी बहुत अच्छी आएगी, पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं व्हाइट किचन में, और खासतौर से जब अप्लायंसेस उसके साथ आप लगाते हो कॉन्ट्रास्ट में तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने अप्लायंसेस पे ध्यान दिया कि मैं ब्लैक कलर के
लगवाऊं, तो मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर की सबसे पहले हॉब लगवाई है और ये मैंने लगवाई है कैप ब्रांड की। यहाँ पर भी मैंने ध्यान दिया कि मैं इंडियन फ्लेम वाली ही गैस लूं, तो ये जो स्टोव है ये इंडियन फ्लेम वाला है। इसमें दो जो बर्नर है वो है 3 रिंग वाले और जो 2 बर्नर है वो 2 रिंग वाले हैं। 3 रिंग वाले जो बर्नर्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, फास्ट कुकिंग में हेल्प करते हैं, तो मैंने ये चीज का भी ध्यान रखा है। अगर आप भी हॉब खरीदने का सोच रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि इंडियन फ्लेम होनी चाहिए उसकी। आप पूछ भी सकते हो उनसे कि कौन सी इंडियन फ्लेम वाले आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ली है हॉब वो है कैप ब्रांड की और ये मुझे सजेस्ट होमलैंड वालों ने ही किया था कि आप इस ब्रांड की लीजिए, हमने बहुत ज्यादा साइट पर लगाई है और कोई भी हमें कंप्लेंट नहीं मिली है। और जितने भी किचन अप्लायंसेस हैं वो मैंने अपने बजट में लगवाए हैं, ये उनके होमलैंड के स्कोप में नहीं था। तो जैसे ये आपका हॉब है, साथ में ये बिल्ट इन ओवन है, बिल्ट इन ओवन भी मैंने जो लिया है वो है कैप ब्रांड का और ये भी काफी बड़ा वाला ओवन है। इसका जो भी साइज होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आप सबके लिए। फिनिशिंग जो ली है मैंने ब्लैक ली है, इसके साथ इसका सिल्वर जो हैंडल लिया है क्योंकि मेरी किचन में बहुत जगह सिल्वर यूज हो रहा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं टैम्बोर यूनिट। सेकंड जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरा किचन का जो भी सामान है सब कबर्ड में जाए, कुछ भी सामान बाहर नहीं दिखना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट भी उन लोगों ने पूरी करी है। हालांकि मैंने अभी डेकोर नहीं करी है, ऑर्गेनाइज नहीं करी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा सारा सामान इसमें आ जाएगा। थर्ड चीज, जो मेरी लाइट नहीं रुकनी चाहिए तो वो बिल्कुल नहीं रुक रही है इस किचन में, क्योंकि जितनी भी आप ऊपर वाली ड्रॉर्स देख रहे हैं ये ड्रॉर्स जो है बिल्कुल इसी लेवल पे है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो लॉफ्ट होती है उन्हें थोड़ा सा बाहर निकलवा कर बनवा लेते हैं, जैसे यहाँ से भी बाहर निकलवा लिया, उस साइड से भी बाहर निकलवा लिया, उससे क्या होता है क्लास्ट्रोफोबिक हो जाती है, यानी कि भिची भिची सी किचन हो जाती है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ पाती है, धूप प्रॉपर नहीं आ पाती है। वो चीज मुझे नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सेम लेवल पे रखी है। ऊपर वाली जो लॉफ्ट है उन सब में हैंडल्स हैं, बाकी पूरी जो किचन है ना वो हैंडल लेस है, आपको कहीं भी एक भी हैंडल नहीं मिलेगा। और आजकल ये लेटेस्ट फैशन ट्रेंड में भी है और देखने में तो बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए आप, बिल्कुल आराम से इस तरीके से खुल जाती है सारी जो ड्रॉर्स हैं या फिर कैबिनेट्स हैं, और उसी के साथ साथ ये सॉफ्ट क्लोज भी है, चाहे आप कितनी भी जोर से ड्रॉर को बंद करें ये बहुत ही आराम से जाकर बंद होती है। अब मैं किचन के प्लेटफॉर्म की बात करूंगी। पहले जो मेरा प्लेटफॉर्म था वो ब्लैक कलर का था, तो इस बार तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं ब्लैक बनवाऊं, तो इसलिए मैंने चूज किया ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वार्ट्ज है जो कि है बियानको मैपल। इसका भी नाम मैं नीचे छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी ना खास बात यह है कि इसमें स्पार्कल है, ये जो चमकते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं, स्पार्कल बहुत दूर से ना चमकते हैं ऐसे जैसे डायमंड, तो मुझे ये पहली नजर में पसंद आ गया था। ऑप्शंस तो उन्होंने बहुत सारे दिए थे मुझे, लेकिन मेरी नजर जाकर इसी पर टिकी। हालांकि होमलैंड की जो खुद की किचन है ना, मॉड्यूलर किचन, उसमें भी यही लगा हुआ था, तो मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा मुझे यही वाला चाहिए। तो ये ना व्हाइट कलर का है क्वार्ट्ज और बहुत ही प्यारा लगता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, दोनों टाइम में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये AGL का है गाइस, ये AGL का है और टाइल्स भी मैंने AGL की ही ली है, तो क्योंकि इसमें हल्का सा ग्रे कलर का ना एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा नहीं होता वो लगे हुए हैं, तो उसी से मैच करते हुए क्रीमिश और बेज कलर और ग्रे से मिक्स करता हुआ मैंने प्लेन टाइल्स लिए हैं। पहले मैं कॉन्ट्रास्ट में टाइल्स में जाने वाली थी, फिर पता नहीं मैंने लगाकर देखा तो उतना मजा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्लेटफॉर्म से मैचिंग के टाइल्स लगाऊं, तो ये टाइल्स इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहे थे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर दूंगी गाइस, कुछ लोग अगर हो सकता है सोचे क्या है कि ना इस किचन में अभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जगह जगह आपको इस टाइप से सीमेंट वगैरह लगा हुआ दिख सकता है, क्योंकि व्हाइट वॉश के टाइम पर ही इसमें पुट्टी होगी और इसी में तभी मैं इसमें व्हाइट वॉश कराऊंगी, तो वो सारी चीजें मैं इस घर में शिफ्ट होने से पहले कराऊंगी। मेरा एक और चीज का मन था कि क्यों ना मैं अपने किचन को सीमलेस रखूं, जो क्वार्ट्ज मैंने यहाँ यूज किया है सेम वही मैं बैक में यूज करूं। ये चीज मैंने होमलैंड से डिस्कस करी एक नहीं दो नहीं 3 बार, मैंने लास्ट मोमेंट तक उनसे ये बात डिस्कस करी कि मुझे यही क्वार्ट्ज ना पीछे भी चाहिए। उन्होंने मुझे 3 बार एक ही जवाब दिया, मैडम आप लॉन्ग लास्टिंगनेस देखो, ये जो आप टाइल्स लगा रहे हो ये सालों साल ऐसे ही चिपके रहेंगे, लेकिन जो पत्थर होता है वो बहुत ही
वेट में हैवी होता है, कुछ साल तो वो आराम से ऐसे चिपका रह सकता है लेकिन बाद में वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। उनको ये था कि ये जो पत्थर है वो इतना हैवी होता है कि जब आप वॉल से चिपकाओगे तो वो बहुत दिनों तक के लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप टाइल्स ही लगवाइए, वो आपके प्लेटफॉर्म के साथ मैच भी कर जाएंगी और बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल भी है। हॉप जो है वो ज्यादा जगह नीचे से नहीं घेरता है, ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने खुद हॉब लगवाया। आप देख सकते हैं नीचे बहुत बड़ी बड़ी मुझे 3 ड्रॉर्स मिल गई हैं। ये जो पहली ड्रॉर है ये कटलरी के लिए है, यहाँ पर आप चमचे, करछली, चम्मचे कुछ भी रख सकते हो। सेकंड जो ड्रॉर है वो इस तरीके से है, ये आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। और ये है लास्ट ड्रॉर, यहाँ पर आप बड़े बड़े बर्तन भी रख सकते हो। जब मैं किचन ऑर्गेनाइज करूंगी तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। यहाँ पर है बोतल्स वगैरह रखने के लिए, ऑर्गेनाइजर, या फिर आप कप रख सकते हो, ग्लासेस रख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे। और ये है एक बहुत बड़ी सी ड्रॉर है, ये इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाएगा। यहाँ पर है ये डस्टबिन वाला एरिया है जो कि काफी बड़ा स्पेस है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ना एक्वा गार्ड भी लगाने वाली हूँ अंडर द सिंक, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत थी कि अगर मैं एक्वा गार्ड यहाँ पर पहले लगा हुआ था, आपको याद होगा मेरी पुरानी किचन में, अगर मैं यहाँ लगवाती तो मुझे ना यहाँ पर स्टैंड नहीं मिलता बर्तनों का, और मुझे चाहिए था बर्तनों का स्टैंड। जैसे यहाँ पर बर्तन वॉश किए तुरंत यहाँ पे रख दिए, या फिर थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ के तब अंदर रख दिए, तो वो मुझे नहीं मिल पाता। तो मैं गई अंडर द सिंक की तरफ और यहाँ पर मैंने लगवा लिया ये स्टील का बहुत ही प्यारा सा स्टैंड, जहां पर आपके डेली के बर्तन वॉश कर आप रख सकते हो। तो ये बहुत काम में आने वाला है। और ये जो अटैचमेंट है ये एवरीडे का है, और इसके साथ ड्रिप ट्रे भी मिली है जिसमें पानी आपका निकल कर यहाँ आ जाएगा, बाद में आप फेंक सकते हो। और ये बिल्कुल सिंक के जस्ट ऊपर है। अब मेरा जो अंडर द सिंक आरओ था ना, वो मैं यहाँ पर फिक्स करा लूंगी, अब पीछे की तरफ फिक्स हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर भी मैंने टाइल्स लगवाई हैं पीछे की तरफ, क्योंकि जो आपका डस्टबिन वाला एरिया होता है वो बहुत जल्दी गंदा होता है, कुछ लोग करते नहीं है पीछे ऐसे ही छोड़ जाते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं और इसे लगवाया है। और यहाँ पर बात आती है सिंक की, सिंक को चूज करते समय भी मैंने काफी सारी रिसर्च करी, क्योंकि सिंक भी बहुत तरह के आते हैं मार्केट में, लेकिन मुझे चाहिए था ऐसा जो स्क्वायर शेप में हो। तो क्या होता है जो ढलाव वाले सिंक होते हैं उसमें सामान ना जो भी आप बर्तन रखते हो लुढ़कता पुड़कता रहता है, इस टाइप के सिंक में कोई भी चीज लुढ़केगी नहीं, आराम से एक दो भी ग्लास रखे होंगे तो वो भी ऐसे ही रहेंगे। सेकेंड, ये जो सिंक है ये सिल्वर लाइन का है। थर्ड चीज, इस सिंक की जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो है ये यहाँ पर है फाइबर, तो जब भी कोई भी बर्तन आप इसमें धोते हो या रखते हो तो कोई भी साउंड नहीं आएगी, ये साउंड प्रूफ है। अगर इसकी जगह वो नॉर्मल वाला सिंक होता तो थोड़ा सा भी अगर ग्लास गिरता है तो वो धड़ाम धड़ूम आवाज नहीं आती है, वैसी आवाज आती है। तो आप भी सिंक चूज करते समय इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। तो अंडर द सिंक मेरा एक्वा गार्ड लगने वाला है, तो उसके लिए जो टैप है वो मैंने यहाँ पर लिया है, तो यहीं से हमें रेगुलर पानी अपना मिलता रहेगा एक्वा का। और हाँ, गीजर का पॉइंट पहले अंदर की तरफ था, वो मैंने बाहर की तरफ शिफ्ट करा दिया है। और चिमनी के लिए जो भी वो जो होती नहीं है जो पाइप होता है वो सब इसके ऊपर लॉफ्ट में जा रहा है, तो कुछ भी बाहर गंदा नहीं दिख रहा है। ये ग्लास चेंज होगा बाय द वे अगर आपको दिख रहा हो तो। तो यहाँ पर है ये कैबिनेट, यहाँ पर भी आप बहुत सारा डेली यूजेस का सामान रख सकते हो। और एक कैबिनेट ये है, ये भी बहुत बड़ी कैबिनेट है गाइस, तो इसमें भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। बाकी मैंने कुछ प्रोफाइल लाइट्स लगाई हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगे रात के टाइम में। और कुछ मैंने सरफेस लाइट भी लगवाई हैं, ये लाइट्स बिल्कुल डायरेक्ट फोकस देती हैं जब आप नीचे कुछ भी रखते हो तो। और किचन में जितने भी हिंजेस हैं और जितने भी अटैचमेंट हैं वो हैं हेटेज ब्रांड के, ये सारे के सारे हेटेज ब्रांड के हैं। अब हम आ गए किचन की दूसरी साइड में, जो कि मेरी बहुत फेवरेट प्लेस है इस पूरे किचन की, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारा सामान रख सकती हूँ और सुंदर 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 सजा भी सकती हूँ, वो बाद में दिखाऊंगी। तो इसकी जो सबसे फेवरेट चीज है वो है ये एक बड़ी सी कैबिनेट, जो कि पेंट्री यूनिट की तरीके से मैं काम में लेने वाली हूँ। वैसे मेरा मन था कि मैं पेंट्री यूनिट ही लगवाऊं, लेकिन उसके लिए 2 फिट की जगह चाहिए होती है, तो ये प्रॉपर 2 फिट जगह हमें यहाँ मिल नहीं रही थी। अगर मैं 2 फिट लेती तो वो यहाँ तक आती, जिसकी वजह से किचन छोटा हो जाता, तो मुझे वो किचन छोटा नहीं करना था।
तो सॉर्ट ऑफ मैंने अपनी खुद की पेंट्री यूनिट बनवा ली है बड़ी सी, जहां पर मैं ढेर सारे सामान जो है स्टोर कर सकती हूँ। दालें हैं, चावल है, चीनी है, आटा है, ये सारा का सारा सामान इस ड्रॉअर में आ जाएगा और जगह भरपूर है मेरे पास। इसके ऊपर जब मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव के लिए प्लेस छोड़ा है जो अभी नहीं लगा है, ऑर्डर हो चुका है, 2-3 दिन में आ जाएगा तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा माइक्रोवेव। और इसके जस्ट पास में यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म छोड़ा है जो कि बहुत सारी चीजों में काम में आता है। जब भी आप कोई भी सामान बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या बनाकर रखना हो तब यहाँ रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान यूज करना चाहते हो, मिक्सी यूज करना चाहते हो या आटा मेकर यूज करना चाहते हो, वो निकाल के यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो ये प्लेस मुझे चाहिए थी खाली। इसके ऊपर है गैस लिफ्ट जो कि है ब्लम ब्रांड का। ये ब्लम जो ब्रांड है ये इम्पोर्टेड ब्रांड है। बहुत ही अच्छा सा मुझे ये गैस लिफ्ट मिल गया है जिसे मैं क्रॉकरी रखने के लिए यूज कर सकती हूँ। ये डबल लेयर है, आप देख ही सकते हैं। आप चाहो तो सिंगल लगवा लो, सिंगल सिंगल करके मैंने एक ही में डबल करवा लिया था। और यहाँ पर आप बहुत सारा ग्लास का सामान रख सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट क्रॉकरी है वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर है टैम्बोर। टैम्बोर का क्या काम होता है, इसमें आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख सकते हो, जैसे कि मिक्सी रख सकते हो, आटा मेकर रख सकते हो, टोस्टर रख सकते हो, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने के लिए काम में आता है। काफी बड़ा और चौड़ा सा है ये, तो ये भी मेरे डे टू डे लाइफ में काफी काम में आने वाला है। टैम्बोर यूनिट में भी मैंने प्लग्स का अरेंजमेंट करवाया है जिससे कि मैं जब भी कोई अप्लायंसेस यूज करूं तो मुझे बाहर ना निकालने की जरूरत पड़े और मैं यहीं पर यूज कर लूं। और ये जो शेल्फ है ना, ये रिमूवेबल है, आप इन्हें निकाल कर अगर कोई बड़ा सा आपको गैजेट रखना है वो भी आप आराम से प्लेस कर सकते हो। इसके जस्ट बराबर में मैंने क्रॉकरी यूनिट बनवाई है। पहले भी यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट रखी हुई थी, अभी मैंने वॉल में पूरी फिक्स करके बनवाई है। बाय द वे जो टैम्बोर की ब्रांड है वो है रिहाऊ। और यहाँ पर मैं क्रॉकरी यूनिट की बात कर रही थी, और ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है क्योंकि आपको पता है मुझे क्रॉकरी खरीदना कितना पसंद है। वैसे ही इतना सारा मेरे पास कलेक्शन है तो मुझे जगह तो चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर ग्लास वगैरह, कप्स वगैरह मैं आराम से सजा सकती हूँ। प्लेट्स तो इसमें नहीं आएंगी, तो प्लेट्स इस गैस लिफ्ट में हम रख सकते हैं और यहाँ पर कप्स और ग्लास के लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो मैंने व्हाइट कलर का ही दिया है। यहाँ पर मैं डेकोरेशन के लिए यूज करूंगी क्योंकि किचन में ना कुछ ऐसे एरिया भी होने चाहिए जिन्हें आप पॉप आउट कर सको, जहां पर आप अपनी मर्जी के कलर यूज कर सको, अपनी मर्जी की डेकोरेशन यूज कर सको। तो यहाँ पर मैंने एक खाली जगह छोड़ी है। और कुछ और भी काम है जो मुझे इस किचन में कराने हैं गाइस, जो कि आपको मेरे आने वाले टाइम में मिलेंगे। जब मैं इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल जैसी भी किचन बनकर तैयार हुई थी, आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूं। किचन को लाइट अप करने के लिए मैंने क्या किया है, मतलब जैसे कि आपको पता है मैं शूटिंग वगैरह भी करती हूँ तो मुझे किचन में ज्यादा लाइट की जरूरत रहती है, तो मैंने यहाँ पर जिप्सम का काम करवाया है, यानी कि फॉल सीलिंग बनवाई है जिसमें मैंने इस तरीके से लाइट दी है। और इस जिप्सम का जो काम मैंने करवाया है, ये फॉल सीलिंग जो है इस पर भी मैं कलर कराने वाली हूँ, वुडन कलर, जो कि मेरा एग्जैक्ट फर्श जैसा कलर होगा। यहाँ पर मैंने अपनी किचन को पॉप आउट करने के लिए ये कलर मिक्स करे हैं। ये जो फर्श देख रहे हैं ये टाइल्स है, ये वुडन फ्लोर नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे कि वुडन फ्लोर है। बहुत ही खूबसूरत लगता है मॉर्निंग के टाइम में, तो मतलब मजा आ जाता है देखने में। तो सेम कलर का ही मैं ये करवाने वाली हूँ ऊपर। कलरिंग का काम अभी हुआ नहीं है, तो जब हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी जो किचन है वैसे तो व्हाइट है, आपको पता होगा कैनवस भी जो होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन जब आप उसे अपने रंग से रंगते हो, अपने हाथों से कलर करते हो, तो उसमें आप कितना सुंदर उसे ड्रॉ कर देते हो, है ना, कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स निकालते हो। तो यही काम मुझे करना है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स, कॉम्बिनेशन, डेकोर, ये सारी चीजें यूज करनी है। और उसके बाद एक किचन की अगेन आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें मैं डेकोर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर दूंगी। और हाँ, बात आती है इस पूरी किचन की प्राइसिंग की और अप्लायंसेस की कॉस्ट की, और जो भी अटैचमेंट यहाँ पर यूज हुए हैं, चाहे वो हैफले के हों, हैटेज के हों, या फिर
ब्लम के जो भी ब्रांड्स मैंने यूज करी है यहाँ पर, वो सारे के सारे जितने भी उसमें मेरा खर्चा आया है, जितना भी होम लोन से मेरी बात पक्की हुई थी या ऊपर से मेरा कितना पैसा खर्च हुआ, वो सब कुछ आपको अगर जानना हो तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो चेक करना मत भूलना। तो ये था मेरा किचन का टूर, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप लोगों को। बहुत मन से और बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरी खुद की एक अच्छी सी किचन हो, तो वो पूरी हो गई है थैंक्स टू प्रशांत जिन्होंने ये मेरा जो ड्रीम है पूरा किया। और बाय द वे वही शूट कर रहे हैं अभी इस टाइम, और अभी किचन में बहुत सारा काम बाकी है, मतलब जो कि अभी इसमें एड ऑन होगा। एड ऑन वाला जो काम है वो तो आपको मेरे शिफ्टिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा, या मैं धीरे धीरे आपको अपने ब्लॉग्स के थ्रू क्लिप्स दिखाती रहूंगी कि मैं नया काम क्या करा रही हूँ किचन में। तो अभी फिलहाल के लिए यही थी मेरी किचन का टूर, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहना। लव यू गाइस।